हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नाहटा। जैसे हमने फ्राइडे को प्रेडिक्ट किया था, कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाएगी और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। वेदर इट वॉज MLA, ये खुला आसमान और अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, या फिर दूसरी फिल्में जो रिलीज हुई थी, फिल्म्स लाइक रक्त बीज, लव रेसिपी, लव रिंकल फ्री, सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इनफैक्ट काफी फिल्मों के शोज कैंसिल करने पड़े ड्यू टू लैक ऑफ ऑडियंस। यही होता है जब छोटी फिल्में विदाउट फेस वैल्यू, विद न्यू स्टार्स और विद नॉट वेरी एस्टैब्लिश स्टार्स रिलीज होती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑडियंस को सिनेमा घर तक कैसे खींच कर लाया जाए। और इन फिल्मों के साथ वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। द कलेक्शंस वर एक्सट्रीमली पुअर, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और क्योंकि किसी भी नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक नहीं जमाई, इसलिए ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द वीकेंड वेंट टू द फिल्म्स व्हिच हैड बीन डूइंग वेल। यानी एस्टैब्लिश फिल्में जो थी, दे मेड द मोस्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी सक्सेसफुल फिल्म लास्ट फ्राइडे। और सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला ऑफकोर्स यशराज फिल्म्स की इशक जादे को, विकी डोनर को एंड द हॉलीवुड फिल्म द अवेंजर्स। इशक जादे ने दो वीक में, सेकेंड वीक भी उसका अच्छा था, इट कलेक्टेड अप्रॉक्सिमेटली 12.5 crore इन द सेकेंड वीक। कंसिडरिंग के ये नए स्टारकास्ट की फिल्म है, 12.5 crore इन द सेकेंड वीक वॉज फंटास्टिक। पहले वीक में इट हैड नेटेड अप्रॉक्सिमेटली 25.75 crore, तो 25.75 प्लस अबाउट 12.5, यानी दो वीक्स का टोटल ही करीब 38 करोड़ से ज्यादा हो गया। और थर्ड वीकेंड ऑल्सो, बिकॉज देर वॉज नॉट मच ऑपोजिशन, इट वॉज रीजनेबली गुड। और थर्ड वीकेंड यानी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ द थर्ड वीक, इनके नेट कलेक्शन हुए करीब 4.25 से 4.5 crore रुपए। और हॉलीवुड फिल्म दी अवेंजर्स जो है वो इंडिया में एक हफ्ते पहले लग गई थी एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 4 मई को रिलीज हुई थी, इंडिया में ये फिल्म 27 अप्रैल को लगी थी। नॉट जस्ट दी अवेंजर्स बट इट्स 3 dubbed versions, यानी तमिल, तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन। हिंदी डब्ड वर्जन का टाइटल है अंगारे बने शोले एंड इट्स गोइंग ग्रेट गन्स इन इंडिया। इन फैक्ट इट इज बिकम द थर्ड बिगेस्ट हॉलीवुड हिट, ऑल टाइम हॉलीवुड हिट सो फार। इट इज नेक्स्ट ओनली टू अवतार एंड 2012। इस हफ्ते इसने मिशन इंपॉसिबल, गोस्ट प्रोटोकॉल और टाइटैनिक के जो इंडिया के नेट कलेक्शंस है उनको क्रॉस कर दिया। एंड वर्ल्ड वाइड इट हैज क्रॉस द $1.3 billion मार्क इन जस्ट 3 weeks। एज फार एज विकी डोनर इज कंसर्न्ड, दैट फिल्म इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, अगेन लाइक इशक जादे। ये भी एक न्यू स्टारकास्ट फिल्म है, लेकिन इसका 5th weekend भी करीब 2.5 crore rupees का हुआ। अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ नेट कलेक्शंस बिकॉज दिस इज एज फार एज इंडिया कलेक्शंस आर कंसर्न ऑफ बॉलीवुड फिल्म विकी डोनर। तो ये तो हुई बातें ऑफ द फिल्म्स व्हिच रिलीज लास्ट वीक एंड द फिल्म्स व्हिच हैव बीन डूइंग वेल ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स।